ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, कितना लगेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ा दिए कम कर दिए, मास बढ़ा दिया कम कर दिया, तो उसका क्या फर्क ग्रेविटेशनल फोर्स पे पड़ेगा, ये बताने के लिए न्यूटन ने द लॉ ऑफ यूनिवर्सल, द लॉ ऑफ, हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा बोला कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनलिटी में होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो कांस्टेंट आता है इसमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए, दैट इज जी। अब उन्होंने तो खाली इतना ही काम किया था, फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू हम ऑलवेज किससे फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट से। उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया कुछ सालों बाद हेनरी कैवेंडिश ने, और उसने जी की वैल्यू दी 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसका कोई फिजिकल मतलब आपको पूछ ले तो कैसे बताओगे ये क्या है? मैंने ये सवाल एक करवाया था ना, वो इसीलिए करवाया था ताकि आप इसका फिजिकल मतलब समझो। जी की वैल्यू इतनी, लेकिन इससे हम क्या समझे? तो अब एक इसमें देखो, अगर मास भी 1 किलोग्राम हो, दोनों मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर वो भी कितना हो, 1 मीटर हो, तब अगर आप दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा? F इज इक्वल्स टू जी ही आ जाएगा, यानी F इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ न्यूटन, न्यूटन, क्योंकि इस बार फोर्स निकाल रहे हैं ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन टू 1 किलोग्राम, टू बॉडीज ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन, विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 किलोग्राम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक एक किलोग्राम के दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोला? यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। और ये हमेशा उतना ही लगेगा, ऑलवेज उतना ही लगेगा, चाहे आप इसे कहीं पे भी रखो, आकाश में, पाताल में, कहीं पे भी, ब्लैक होल को छोड़ के, क्योंकि वहां ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के लॉ नहीं चलते, वहां वहां पे ब्रेक हो जाते हैं फिजिक्स के लॉ। तो यूनिवर्स में ब्लैक होल के अलावा कहीं पे भी जी की वैल्यू इतनी ही है, मतलब 1 किलोग्राम की दो बॉडीज जिसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है उसमें ऑलवेज इतना फोर्स लगेगा। तो इसका फिजिकल मतलब समझ गए? ये सारी चर्चा हमने लास्ट में, हाँ बस इतना ही। और इसके बेस पर कुछ सवाल अच्छे अच्छे हम पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने नहीं पूछा था सवाल कि जैसे दो बॉडीज हैं और दोनों को मान लो आर डिस्टेंस पे रखा है तो इतना फोर्स लगेगा ही। दो बॉडीज हैं जिनके मास m1 m2 है, दोनों को अगर आर डिस्टेंस पे रखा है फ्रेंड्स, तो दोनों के बीच में इतना फोर्स तो लगना ही है। लेकिन अगर डिस्टेंस को मैंने आर नहीं, 2r कर दिया, डबल कर दिया, तब कितना फोर्स लगेगा वो देखो। अब वो जो फोर्स है उसको मैं क्या बोलूंगा, एफ डैश बोलूंगा, क्योंकि अब ये फोर्स बदल गया है। जैसे आप डिस्टेंस या मास बदलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाता है, लेकिन इस बार मास हमने नहीं बदला, मास वही का वही है, क्या बदला है? डिस्टेंस, डिस्टेंस 2r कर दिया है, और 2r का स्क्वायर भी तो होगा फिर, तो ये निकल के आएगा जी m1 m2 4r2। बट देखो जी m1 m2 r2 कितना है, वो तो f है, दिस इज नथिंग बट f। तो मैं लिख सकता हूं कि f डैश इज इक्वल टू f बाय 4, मतलब मास अगर कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट मास, फॉर कांस्टेंट मासेस इफ यू डबल द डिस्टेंस फोर्स विल बी रिड्यूस्ड, फोर्स विल बी बिकम फोर्थ पार्ट ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल फोर्स का
फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ये बात समझे? क्योंकि आपने न्यूटन ने बोला है ना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लॉ में आता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप डिस्टेंस डबल करते हो तो फोर्स फोर्थ पार्ट का होगा, डिस्टेंस अगर आप ट्रिपल करते हो 3R लिखते हो तो F by 9 आ जाएगा, 4 हो तो यहाँ पे F by 16। तो ऐसे सारे एक नंबर में MCQ आएंगे। ओके, दूसरी बात, अगर मान लो आपने कांस्टेंट मास रखा है, मास नहीं चेंज किया बट डिस्टेंस आधा कर दिया। अब डिस्टेंस आधा करना मतलब पास ले आए, पास लाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो अभी भी स्क्वायर तो होना ही है, एक मिनट ना, आर स्क्वायर होगा, नीचे क्या आएगा 4। अब किसी भी चीज से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, ये नियम हमेशा याद रखना है। हम इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसके रेसिप्रोकल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 आगे आ गया, ये हो गया जी M1 M2 आर स्क्वायर, वैसा का वैसा ही। समझ में आ रहा है सबको? तो ये तो क्या है F, तो F डैश आपका हो गया क्या 4 टाइम्स F, समझ रहे हो? बढ़ गया। तो अगर आपने डिस्टेंस आधा कर दिया तो फोर्स अब 4 गुना लगेगा। डिस्टेंस आपने कितना किया, 3 पार्ट का कर दिया, R by 3 कर दिया, तो फोर्स अब 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। समझे? समझे तो नहीं समझे क्यों? कहां से फिर से ये पूरा क्या बात करता है? अब तू बोल, क्या पूछ रहा था सर? आपने बोला डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा। हाँ, तो एक केस सोचिए, दो ऑब्जेक्ट है, हाँ, सेंटर ऑफ मास एक ही है। हाँ, एक दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही पॉइंट है। हाँ, एक ही होता है। दो अगर ऑब्जेक्ट है ना तो उनको अगर तुम एक सिस्टम मान के चल रहे हो तो उनका, उन दोनों सिस्टम का एक ही सेंटर ऑफ मास होता है ऑलवेज, पर इंडिविजुअली अलग अलग होगा बट पूरे सिस्टम का एक ही होता है। हाँ, ठीक है, हाँ रखा, उनका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाँ हुआ, इसका मास ज्यादा होगा। हाँ, और इसका मास माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में? होगा तो अगर इमेजिन करें, चलो माइनस में होगा तो, हाँ चलो, इसका प्लस में इसका माइनस में, फोर्स क्या है? फोर्स अगर माइनस में है तो देन देख पॉजिटिव आंसर कब आता है अपना, पॉजिटिव आंसर तब आता है मतलब अट्रैक्शनल फोर्स है, अब नेगेटिव आंसर आ रहा है मतलब रिपल्सिव फोर्स है। ये जुड़ेंगे नहीं, कुछ दूर ही रहेंगे, फिर दूर रहेंगे क्या यार कुछ भी, चलो यहाँ से ना पक्का देख, यहाँ पे बात ऐसे चल रही है कि हम ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदल रहे, बस पास में ला रहे हैं कभी कभी दूर ले जा रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पास और दूर ले जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर कितना असर और क्या असर पड़ता है, समझा? ये एम समझ गया? तो सबसे पहले देख, दो ऑब्जेक्ट है, M1 M2 मास है और उसको हमने r डिस्टेंस पे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ये इतना फोर्स लगेगा। अब हमने r डिस्टेंस पे नहीं, अब 2r डिस्टेंस पे रखा है, दैट्स व्हाई मेरे को r की जगह क्या रखना पड़े, 2r। अगर 2r रखता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर तो सेम, नीचे मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर। अब तो ध्यान से देख, ये F डैश है और ये F है, मतलब ये दोनों फोर्स अलग अलग है, क्योंकि अब दूर कर दिया तो फोर्स अलग ही लगेगा, बट मुझे इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है कि मेरे को नया फोर्स मिला वो पहले वाले फोर्स का कितना गुना। दैट्स वाई अब क्या करूँगा कि मैं इसमें से जी एम वन एम टू और आर स्क्वायर को ऑब्जर्व करूँ, तो वो तो F है, इसकी जगह मैं F नहीं लिख सकता, तो लिख दिया F डैश इज इक्वल टू, मिल गया कि ओरिजिनल फोर्स का फोर्थ पार्ट हो गया जब मैंने ऑब्जेक्ट को डबल डिस्टेंस पे रख दिया पहले से, तो जो फोर्स मिला नया वो पहले वाले फोर्स का फोर्थ पार्ट है, यानी कम हो गया फोर्स, चार गुना कम हो गया।
फोर्थ पार्ट बोलते हैं इसको, चौथे हिस्से का रह गया 16 अगर होता तो फिर कितना रह गया, 4 रह गया, फिर 16 न्यूटन मान लो लग रहा है, अब इस अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फिर 4 न्यूटन फोर्स रह जाएगा। अब इसमें तो हमने डिस्टेंस क्या किया, डबल किया, अब हम डिस्टेंस आधा करके देखते हैं। सर आधा करोगे तो आर बाय टू रखना पड़े, ये अब इसका क्या होगा, 8 स्क्वायर और नीचे 4। अब जी एम वन एम टू को 8 स्क्वायर बाय 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, किसी भी चीज से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, कर दिया मल्टीप्लाई, तो देखा हमने कि 4 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, जो पहले नीचे था अब वो 4 ऊपर आ रहा है, और जी एम वन एम टू और 8 स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये क्या है, इट इज ओरिजिनल फोर्स एफ। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को आधे डिस्टेंस पे लाके रख दिया तो फोर्स कितने गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया, यानी जब आप पास ला रहे हो तो बढ़ेगा, दूर ले जा रहे हो घटेगा, लेकिन प्रॉपर वे में डिस्टेंस आपने आधा किया तो फोर्स 4 गुना ही बढ़ेगा। और अगर आपने डिस्टेंस 3 पार्ट का कर दिया, मान लो यहाँ आर बाय 3 रखे होते, डिस्टेंस मान लो 9 है, 9 मीटर है, अब कितना कर दिया, 3 मीटर कर दिया, 3 पार्ट का कर दिया, इसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट का कर देना, इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट का कर देना, अगर डिस्टेंस 9 है थर्ड पार्ट का कर दोगे तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 3 मीटर, यहाँ 3 रखोगे यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 की जगह क्या मिलेगा फिर, 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना। हाँ अगर आप फोर्थ पार्ट यहीं रख देते हो तो फिर यहाँ 16 आएगा और 16 फिर इधर भी आएगा, तो कुल मिला के जब तक मास कॉन्स्टेंट है सिर्फ डिस्टेंस बदल रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा स्क्वायर के अकॉर्डिंग बदलेगा। आपने अगर डिस्टेंस डबल किया है तो फोर्स को कर दो चौथे पार्ट का, डिस्टेंस अगर डबल किया है तो फोर्स चौथे पार्ट का कर दो, और डिस्टेंस हाफ किया है तो फोर्स 4 गुना कर दो। बोलने के तरीके हैं, बाकी मैथ से आप कर लोगे, समझ में आए ये बात। तो इसी टाइप का एक सवाल मैं आपको होमवर्क में आज सेंड करूंगा, तो आप कर लेना। अब मान लो कि मास और फोर्स दोनों, मास और डिस्टेंस दोनों ही बदल रहे हैं, तब क्या करोगे, हाँ इक्वेशन ही एक अपने पास रास्ता है, ठीक है, सही बात है, आप बहुत अच्छे से समझोगे ये वाला। देखो सेम मास है, दोनों को हमने आर डिस्टेंस पर रखा, अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एफ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाए, एम इंटू एम एम स्क्वायर, तो ये याद रखोगे। अब चेंज क्या करना है कि मान लो मास हब डबल कर दिए, किसी एक मास को डबल कर दिए, दोनों को नहीं, दोनों को भी कर सकते हैं वैसे तो, एक कर दिए फिर बाद में दो करें, हाँ चलो ऐसा रखते हैं, और मास डबल कर दिए और डिस्टेंस कर दिए दुगना, दोनों बदलना है, डिस्टेंस कर दिए दुगना या दुगना ही रखते हैं, चलो तो मेरे को बताओ इस केस में लगेगा एफ डैश फोर्स, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब अब जो नया फोर्स है वो पहले वाले फोर्स से डबल है, आधा हो गया कि कितना हुआ, कैसे करोगे, सेम तरीका है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करो, जी एम वन कितना एम एम टू इज टू एम, आर स्क्वायर कितना, समझे कि नहीं, जो दिया था वही इसमें रखते हैं हम, हमारे पास इस बार ये दिया है, हमने सवाल बनाया है, अब सॉल्व कर रहे हैं, सवाल भी खुद ही बनाओ खुद ही सॉल्व करो, हम ही बीमार करेंगे और हम ही फिर इलाज भी करवाएंगे। वो एक डॉक्टर था, और डॉक्टर तो उसने क्या किया, एक पत्थर लिया, पत्थर को एकदम फुटबॉल का कलर दे दिया, फिर वो अलग अलग जगह रख दिया उसको, फिर सुबह दुकान खोली तो सब अपनी टूटी हुई टांग लेके आए थे
हमें बीमार करेंगे, हमें इलाज करवाएंगे। सुनो तो सवाल समझो पहले, सवाल समझना ज्यादा जरूरी है। सवाल ये है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास समान है, इक्वल है, उनको हमने आर डिस्टेंस पे रखा है। अब एक मास को हमने डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो अब मुझे ये बताओ कि नया ग्रेविटेशनल फोर्स पुराने वाले से क्या संबंध रखता होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, हाफ होगा। तो हमने पहले निकाला कि भाई ओरिजिनली फोर्स कितना लगता है, तो इतना लगता है। ये बात समझे यहाँ तक साक्षी? नहीं लग नहीं रहा है मुझे, ओके। अब पहला फोर्स इतना, अब नया फोर्स भी निकालना पड़ेगा तभी तो अपने कंपेयर कर पाएंगे। तो नया फोर्स इतना है जी, एम वन एम टू मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। अब देखो टू बाहर आ गया, जी एम इंटू एम एम स्क्वायर, और नीचे क्या, चार आर स्क्वायर। अब ये टू फोर इकैट होगा तो क्या मिला, जी एम स्क्वायर नीचे टू आर स्क्वायर। बट रिमेंबर कि जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर तो क्या है, ओरिजिनल फोर्स ये इतना। तो मैं टू एफ क्यों, एफ आएगा ना खाली, टू तो नीचे ही रहेगा, इसकी जगह हम एफ रख सकते हैं। यानी कि नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो पुराने वाले से कितना रह गया, सिर्फ आधा रह गया, समझे? दूर गया पर उसको मास भी तो बढ़ा था ना। मास बढ़ाया था, देखो मास दुगना किया, डिस्टेंस भी दुगना कर दिया, लेकिन डिस्टेंस अगर दुगना करते हो तो फोर्स चार गुना रह जाता है ना। इससे सुनो, इससे फोर्स क्या होगा, इससे फोर्स डबल हो जाएगा। मान लो कि आपने डिस्टेंस नहीं बदला और खाली ये टू कर दिया, तो इससे फोर्स कितना हो गया, डबल हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा। अब आपने इसी टू एम और एम को कितना डबल डिस्टेंस पे ले गए, तो फोर्स कितना, चार गुना नहीं कम होगा, तो क्या हो गया, दो और ये चार कट हो गया, दो बचा। हाँ इसको ना, हाँ अगर इसको दो कर देते हो तो देखो यहाँ पे भी दो आएगा, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर तो चार और चार कैंसिल हो जाता है। तो आप लोग ऐसे कई सारे सोच सकते हैं। तो मैंने बोला तो था कि चलो इसको भी दो कर देते हैं, तो आपने नहीं 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 करना। तो आप इस तरह से अपने ही कई सवाल बना सकते हैं अपने, तो सब लोग जैसे दो दो सवाल बना के लाओगे।